आखिरकार रिलीज हो गया पवन सिंह का मच अवेटेड नवरात्रि का सॉन्ग। जी हाँ, माँ अम्बे फिल्म्स पर अभी ही रिलीज हुआ है और गाना वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ आगे बढ़ रहा है पवन सिंह और पवन सिंह की हीरोइन जिया रॉय। जी हाँ, इसमें वो दोनों एक पति पत्नी का किरदार निभा रहे हैं और पत्नी शहर में पली बड़ी है, उसे अपने रीति रिवाज का पता नहीं है और वो रीति रिवाज पवन सिंह उसे सिखा रहे हैं गाने में। गाने में आई लव यू वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, हो सकता है इसके लिए पवन सिंह आगे चल के ट्रोल भी हो सकते हैं। वैसे पवन सिंह को इन सब चीज़ों की आदत लग चुकी है कि वो चाहे अच्छा काम करे या बुरा काम करे, ट्रोलिंग उनके साथ हमेशा पैरेलल ही चली है। खैर, ओवरऑल गाना बहुत अच्छा है और गाने में लुक बहुत अच्छा दिया गया है पवन सिंह को, गाने का सेटअप बहुत अच्छा है, गाने की जो क्वालिटी होनी चाहिए वीडियो की, पिक्चर क्वालिटी बहुत खूबसूरत है। साथ ही साथ कोई भी अनर्गल चीज़ यूज़ नहीं की हुई लग रही है, हर एक चीज़ परफेक्ट लग रही है और रंगों का बहुत ही खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है इस वीडियो में, कभी पीले रंग तो कभी रेड कलर, हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन ढंग से यूज़ किया गया है। पवन सिंह इस पूरे वीडियो में बहुत ही अच्छे लगे हैं। साथ ही हीरोइन जो है जिया रॉय, वो एक मॉडल हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव भी हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं इनके साथ और इनकी जोड़ी भी बहुत फ्रेश, न्यू फ्रेश जोड़ी जो है बहुत अच्छी लग रही है। एक बात और, आप अगर ये पूरा सॉन्ग सुनेंगे तो आपको झट से ये सॉन्ग याद तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, वीडियो देखने का बार बार दिल चाहेगा और फिर उसके बाद आप उस लिरिक्स को अपने जुबा पर ला पाएंगे। तो इस कदर की ये वीडियो शूट किया गया है क्योंकि वीडियो शूटिंग पर बहुत ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ आप वीडियो देखते देखते, आप वीडियो एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तीसरी बार आप देखेंगे तो आपको लिरिक्स याद होंगे। लेकिन इससे अपोजिट अगर आप पुदीना वाले सॉन्ग को देखेंगे तो पुदीना वाले सॉन्ग में आपको वीडियो भी उतना प्यारा लगता है तो लिरिक्स भी आपके जुबा पे चढ़ती है, लेकिन यहाँ थोड़ा ड्रॉबैक है, लिरिक्स उतनी दमदार नहीं हो पाई है, और भी अच्छी हो सकती थी लिरिक्स, लेकिन इन सारे कमियों को पूरा पवन सिंह की आवाज़ कर देती है। पवन सिंह की आवाज़ में इतना दम है कि ये गाना उतना दमदार नहीं होते हुए भी दमदार लग रहा है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।